रंग संगम संस्था की तरफ से आपका स्वागत है, खैर मकदम है। और आज का नाटक है जिद्दी, इसको निर्देशित और लेखन इसका किया है शुभम पांडे ने और इसको प्रस्तुत किया है स्वाति पांडे ने और इसके संरक्षक हैं शुभांगी पांडे शुभी। दो बच्चे थे, शिवपाल सवरिया जी का बहुत बहुत स्वागत है, पार्षद हमारे लखनऊ के हैं। एक कथा से, ये फैन बंद कर दीजिए जरा सर, पंखा बंद कर दीजिए। हाँ, ऐसे ही मौसम का ठीक ठाक हो गया, ऐसे ठीक ठाक काम कर रहा है। विनोद मिश्रा जी का आंदोलन काम आया है थोड़ा बहुत। अरे यार, जिसने ताली बजाया है वो बहुत समझदार आदमी है यार। आंदोलन भाई बहुत कम लोग, अक्सर ऐसा होता है कि जब व्यक्ति उपस्थित होता है तब मैं उसकी तारीफ करता हूँ, लेकिन जब कोई अच्छा काम करे तो उसके ना रहने पर भी उसकी तारीफ कर देनी चाहिए। तो विनोद मिश्रा जी जिस तरह आंदोलन में लगे रहते हैं, ये काम आया है उनका, ऐसा नहीं इसी ठीक हुआ है रिसॉल्व का। दो बच्चे थे, अनाथ छोड़ दिया गया उनको जंगल में, न बाप था न माता थी, परेशान, खाने की दिक्कत, पीने की दिक्कत, बिल्कुल इन्फेंट चाइल्ड, बिल्कुल बच्चे। एक भेड़िया जाता हुआ दिखाई पड़ी, मादा भेड़िया दिखाई पड़ा। एकदम से उन्होंने देखा कि उनके जैसा ही एक छोटा बच्चा उस भेड़िया की जो संतान थी उसके पास गया और उसका दूध पीने लगा। उन बच्चों को लगा ये शायद कुछ अच्छा लग रहा, तो वही चीज उन्होंने करनी शुरू कर दी और वो उसी मादा भेड़िया का दूध पीने लगे। फिर पले दोनों बच्चे, पलते पलते धीरे धीरे जवान हुए उसी जंगल की परवरिश में। जंगल की परवरिश में जवान हुए, जवानी देखी, ताकत आई शरीर में और सोचा कि हम भी कुछ जिंदगी में बनेंगे। और बनते 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 उन बच्चे इतने बड़े बने कि जो एक, जहां से कहा जाता है कि नाटक की शुरुआत, संगीत की शुरुआत, वॉरियर बनने की शुरुआत, राजनीति की शुरुआत, इस दुनिया की जिस जगह से मानी जाती है शुरुआती दिनों में जिसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने वो मुल्क बनाया रोम। रोम का नाम उन्हीं बच्चों के नाम पे पड़ा है। एक का नाम था रेमियस और जो राजा बना उसका नाम था रोबलस। अनाथ बच्चे एक ऐसा मुल्क बना गए जो आज भी हमारे पास परंपराओं में है और आज भी उदाहरण रंगमंच में खासतौर पर और संगीत में खासतौर पर रोमन इरा के या रोमन पहनावे के या रोमन कपड़े के ओलंपिक वगैरह सब वहीं किए जाते हैं, उसके दिए जाते हैं। धीरे धीरे ये कथा, अगर मैं अनाथ पर बात करने लगूंगा कि बहुत लंबा लंबी लिस्ट है जिसमें चंगेज खान भी है, जिसमें मार्लिन मोनरो एक्ट्रेस भी है, जिसमें लियो टॉलस्टॉय भी है, सब ने अपने शुरुआती दिनों में एक बहुत बड़ा संघर्ष अनाथ की तरीके से किया। और सद्दाम हुसैन के बारे में भी कहा जाता है शुरुआती दिन कुछ इसी तरह अनाथ के दिनों की तरह से बीते उसके भी। और बाद में उन्होंने पूरी दुनिया, उन अनाथों ने जिनके मैंने कुछ के नाम लिए, बाकी बहुत लंबी लिस्ट है, अगर लूंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा, ये मैंने नाम सिर्फ इसलिए लिए जिनको आप लोग जानते हैं, बाकी और भी बहुत से नाम है जिनके, जिन्होंने बहुत कुछ अख्तियार किया इस दुनिया में। उन बच्चों ने एक अपनी दुनिया बनाई, लेकिन समाज में दुनिया
जिनसे बन सकती है उन पर नजर का रखना बहुत जरूरी है। उसी तरह जिस तरह उन बच्चों को किसी ने, किसी को एरिस्टोटल की तरफ से कुछ आशीर्वाद मिला, किसी को किसी उस्ताद की तरफ से कुछ आशीर्वाद मिला कि ऐसे करो, उन्हीं बच्चों को पे नजर गई शुभम पांडे की, अनाथ बच्चों में। जाहिर सी बात है, जो जिस काम को जानता है वो काम सिखाना चाहता है। तो शुभम पांडे ने सोचा कि इन अनाथ बच्चों के साथ लाओ एक नाटक करते हैं, मैं नाटक करता हूं, मैं नाटक करूंगा उनके साथ। और उनसे मिलकर, उनको सुन के, कोई ये नहीं होता, अक्सर जब भी थिएटर वर्कशॉप्स होती हैं तो लोग होता है कोई रटा रटाया लिखा लिखाया नाटक उठाते हैं और बच्चों के ऊपर लाद देते हैं, लेकिन शुभम ने अपने तरीके से नाटक कढ़ा, इन बच्चों को समझा और उसके बाद नाटक कढ़ा। नाटक अच्छा या खराब नहीं होता है, सबसे पहले देखनी चाहिए किस नजरिए से वो नाटक किया गया और उद्देश्य क्या उस नाटक को करने का था, ये खास बात होती है। बिना किसी सरकारी मदद के, ना ही बिना किसी सेठ साहूकार की मदद के, अब अलग बात है आज किसी का मन आ जाए तो उसकी मर्जी, अगर मदद करना चाहे, क्यों भाई शुभम स्वागत है उस मदद का, ये पक्की कराता हूं मैं धीरे धीरे लोगों से, जज्बा खुले। मंजू गुप्ता जी हैं तो उनके नाम के साथ गुप्ता जुड़ा हुआ है, बाकी जितने भी लोग हैं ठीक ही ठाक है। तो आइए ज्यादा देर नहीं करते हैं क्योंकि देर वैसे भी हो ही चुकी है, मैं शिवपाल जी से अनुरोध करूंगा और मंजू जी से अनुरोध करूंगा कि मंच में आए और इस अनाथों को समर्पित संध्या में दीप प्रज्वलन कर आज की संध्या की शुरुआत करें। मैं शुभम से अनुरोध करूंगा, उनको मंच में स्कॉर्ट करके आप दोनों को लेके आए, शिवपाल जी को और मंजू जी को। मंजू जी बहुत वरिष्ठ अभिनेत्री हैं लखनऊ की और बहुत इन्होंने रंगमंच में काम किया है। मंजू जी ने दर्पण के एक तरह से आज तक दर्पण से जुड़ी रही, तकरीबन 40-45 साल का मंजू जी का करियर है और शिवपाल जी पार्षद हैं और बिल्कुल यंग हैं अभी और यंग लोगों को इस मुल्क की जरूरत बहुत ज्यादा है। बाती भी बेचारी अनाथ की तरह से चुपचाप देखा करती है लेकिन एक मोमबत्ती मिलकर उसको भी क्या कहते हैं उसके ऊपर हाथ रख देती है तो उसकी भी अपनी पहचान हो जाती है। होता ऐसा नहीं अमर, बिल्कुल अनाथ की स्थिति होती है, कोई नहीं देख रहा, एकदम से मोमबत्ती मिली, रोशनी मिली और बन गई पहचान। शुभम जी भी आप 2 मिनट मंच पर रुक जाएं प्लीज, और मंजू जी आपसे भी मेरी गुजारिश है मंच पे रहिएगा, सेंटर में आ जाइएगा, सेंटर में आ जाए। शुभम से मेरा अनुरोध है कि हमारे दोनों अतिथियों का फूलों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। और शिवपाल जी का फूलों से अभिनंदन, स्वागत। एक बार अच्छे से ताली बजा दीजिए सब, और कोई चाहे तो बुके आप लोग के ले ले और मैं 2 मिनट के लिए अनुरोध करूंगा आप दोनों से ही बोलने के लिए। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा शिवपाल जी से कि 2 शब्द कहें। सम्मानित मंच और ये ऐतिहासिक प्रांगण, उपस्थित रंगमंच के सभी बुद्धिजीवी दर्शकगण, उपस्थित मातृशक्ति, हमारे सभी युवा मित्र, पत्रकार बंधु, और आज ही मुझे इनके टैलेंट के बारे में, हमारे छोटे भाई शुभम के टैलेंट के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, जैसा कि अभी सर ने बताया। तो चूंकि मैं तो एक जनप्रतिनिधि हूँ, नाली नाले साफ कराता हूँ, लोगों की जो समस्याएं होती हैं दिनचर्या की उनको देखता हूँ,
और शुभम को बहुत साल पहले से जानता हूँ। इनके परिवार से मेरा बहुत अच्छा नाता है, क्योंकि जब मैं निर्दलीय इलेक्शन लड़ा 2012 में, तो मेरे पास कोई पार्टी नहीं थी, बस यही मित्र, ये जो मेरे साथ में मेरे भाई और आप लोग का आशीर्वाद था, और इन्हीं लोग के सहयोग से, प्यार से मैं रिकॉर्ड वोटों से राजा जीपुरम से बीजेपी के प्रत्याशी को हरा करके पार्षद बना। तब से निरंतर यही कोशिश है कि जैसा कि अभी सर ने बोला कि जीवन एक बार मिलता है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मंच पे खड़े होते हैं और आप लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं, क्योंकि जीवन तो ऊपर वाले ने दिया है और मृत्यु समय की बात है जो आनी आनी है, लेकिन मरने के बाद लोग हमें याद रखें, ये हमारे कर्मों की बात है। तो जब तक हमारे शुभम भाई जैसे लोग हैं, जैसा कि अभी सर ने बताया कि जो अनाथ लोगों के लिए ये एक नाटिका बना रहे हैं या अभी प्रस्तुत होगी, तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि युवाओं को बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं समय समय पे। बहुत सारे लोग, जब कभी युवा किसी चीज के लिए आगे बढ़ता है तो बहुत सारी कठिनाइयां होती, प्रैक्टिकली आप लोग को नहीं लगता होगा, लेकिन अगर हम लोग उसको अंदर से देखें तो बहुत सारी समस्या, क्योंकि एक बिलीफ कम होता है, सबसे बड़ी बात होती है, हम बिलीफ कम करते हैं, और उसका रीजन भी है, क्योंकि बहुत युवा बहुत जल्दी हतोत्साहित हो जाता है कभी कभी, लेकिन कहीं ना कहीं समय परिवर्तित हुआ, जागरूकता बढ़ी, टैलेंट बढ़ा, और जो हमारे गार्जियन हैं उनका एक मोटिवेशन ऐसा मिला कि आज के समय में जिस तरह से नव भारत के निर्माण में हमारा युवा साथी लगा हुआ है, समाज के निर्माण में हमारा युवा साथी लगा हुआ है, मुझे पूरा यकीन है कि आने वाला भविष्य बहुत ही उज्जवल है हमारे भारतवर्ष का, हमारे समाज का, जब तक शुभम पांडे जैसे हमारे युवा साथी समाज में है। इनके लिए दो लाइनें कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि युवाओं में बहुत शक्ति होती है, युवा शक्ति बोलते ना कि हम अकेले ही चले थे जाने पे मंजिल मगर, और लोग मिलते गए, कारवा बनता गया, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि शुभम भाई प्यार जब चढ़ान पर होगा, प्यार जब चढ़ान पर होगा हर शिकारी मचान पर होगा, प्यार जब चढ़ान पर होगा हर शिकारी मचान पर होगा, वक्त का तीर उसे छू नहीं पाएगा दोस्त, परिंदा जब उड़ान पर होगा, परिंदा जब उड़ान पर होगा। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजा जीपुरम में भी हम लोग एक एकेडमी स्टार्ट कर सकते हैं, प्लेस मेरे पास है, डांस एकेडमी आपकी भाभी चलाती हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा प्लेस है, तो आप अगर चाहें तो ये सहयोग हम लोग कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं से आप, चूंकि राजा जीपुरम आपकी जन्मभूमि है, तो वहाँ भी एक इस तरह का आप कोई प्रोग्राम रखें, एकेडमी डालें, तो मेरा पूरा सहयोग रहेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए, जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर साहब, बैठ सकते हैं जीवन जी। और अब मंजू जी, मैं दो शब्द बोल दीजिए, फिर मैं बात करूंगा। मुझे नीचे करना पड़ेगा। नमस्कार। हमारे सभी सुधी जनों जो हमारे दर्शक आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे इन बच्चों के कार्यक्रम को देखने के लिए आए हैं। ये जो बच्चे हमारे, जिन्हें हम अनाथ कहते हैं, ये सही माने में देखा जाए तो अनाथ नहीं है, ये हम उनके मन की, हम अपने मन की भावना व्यक्त करते कि वो अनाथ हैं। हम क्यों उन्हें अनाथ समझें भाई, अनाथ नहीं है वो, उन्हें ये भावना से दूर रखिए कि वो अनाथ हैं। देखिए ये है कि हम उनकी भावनाओं को समझें और उनके लिए हम अपनी तरफ से जो कुछ भी कर सकते हैं वो करें। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो शुभम जी ने आज ये कदम उठाया है, देखिए सुख सुविधा साधन के साथ तो हर कोई काम कर लेता है, लेकिन अपनी तरफ से अपने पास से खर्च करके अपना समय, देखिए आजकल का समय बहुत कीमती होता है, पैसे मायने नहीं रखते हैं, धन दौलत मायने नहीं रखती है, समय बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर हम किसी के लिए कुछ कर सकते हैं तो ये हमारे आत्मा को संतुष्टि मिलती है। तो ये हमारे आत्मा की संतुष्टि है जो हम इन बच्चों के लिए कर रहे हैं। और आप ये समझिए कि ये बच्चे
हमसे ज़्यादा अच्छा करेंगे, जिन्होंने कभी मंच नहीं देखा, कभी उन्होंने ये नहीं मालूम। मैं आपको बताऊं, मैं इन बच्चों के साथ बहुत वर्षों पहले, 10-12 वर्ष पहले मैं इनके बच्चों के साथ काम कर चुकी हूँ। और इन बच्चों को लेकर के हम लोग गए थे दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में नाटक कराने के लिए। इन बच्चों ने तब तक ट्रेन नहीं जानते थे कि ट्रेन कैसी होती है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब उन बच्चों को ट्रेन में लेकर के गए हैं, वो इतने उत्साहित थे, इतने उनमें मतलब एंजाइटी थी उन बच्चों में, कि रात भर वो बच्चे सोए नहीं, पूरी ट्रेन में चक्कर लगाते रहे। हम लोगों को इतनी निगरानी करनी पड़ी। तो ऐसे बच्चों के साथ काम करना अपने आप को बहुत संतुष्टि देना है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि शुभम ने जो ये कदम उठाया, ये बहुत सराहनीय है, और मैं इस बात के लिए शुभम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ये आशा करती हूँ कि इन बच्चों के साथ हम लोग आगे भी मिलके काम करेंगे, और इन बच्चों के साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। कभी इनके साथ आप मिलके बैठिए, बात करिए, तो तब आपको पता चलेगा कि इन बच्चों के अंदर की भावना क्या है, असलियत इनकी पता चलेगी। और आप देखिएगा, और मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, प्लीज़ आप लोग उस दृष्टि से मत देखिएगा इनके नाटक को कि इन्होंने कहाँ गलती की, कहाँ सही किया, कहाँ चले गए, कहाँ आगे बढ़ गए, या डायलॉग भूल गए। प्लीज़ आप इस बात को ध्यान मत करिएगा, सिर्फ ये देखिएगा वो बच्चे जिन्हें कुछ नहीं आता था, उनको वो मंच देकर के हमने इस मंच के लायक उनको बनाया है, और उन्होंने कुछ किया है। बस आप उनके लिए तालियां बजा दीजिएगा, उनके लिए यही बड़ा बात है। तो आप सबका ज़्यादा समय ना लेते हुए बहुत बहुत आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने कीमती समय निकाल करके इन बच्चों के लिए दिया है। तो उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। शुक्रिया मंजू जी। मंजू जी ने भी अपने उद्बोधन में ट्रेन का जिक्र किया। ट्रेन वास्तव में बहुत बड़ा लेसन दे जाती है, ये सच। उसी ट्रेन से जब कहीं साउथ अफ्रीका में एक आदमी फेंका गया, तो उसने जिद पाल ली कि अब तो मैं कुछ बदल दूंगा, और उसने बदला। गांधी, ट्रेन ही सबक दे गई थी गांधी को। यह जिद गांधी की थी, और उसने नया रास्ता अख्तियार किया, और बाद में चीजें आई। प्रताप ने भी जिद पाली थी, राणा प्रताप, और जिद थी कि मैं झुकूंगा नहीं चाहे खत्म हो जाऊं। प्रताप भी चले गए, लेकिन ये जिद्दे जब सही तरीके से होती हैं तो उनका कुछ मतलब होता है, लेकिन गलत जिद कहां पहुंचा देती है, ये जिद्दी नहीं। आप देखिएगा, एक बार तालियों के साथ उन बच्चों का अभिनंदन करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
ये ले बेटा, ये ले। ये क्या माँ, रोज रोज वही सूखी सब्जी और पराठे। मेरी फ्रेंड्स कहती हैं कि उनके यहाँ रोज रोज नए पकवान बनते और मेरे लिए वही। कहाँ से ला बेटा, इतनी महंगाई बढ़ गई है। तू देख रही है ना, तेरी बहन कितने चाव से खा रही है, बस तुझको रोज रोज नया ही चाहिए। तो ठीक है, नहीं खाना मुझको खिला दीजिए इसी को, मैं जा रही। अरे सुन तो, ऐसे लगे खाली नहीं जाते छोड़कर। डांट पड़ जाती, लेकिन बच गई मैं। इसी वजह से मैं लेट हो गई। चलो पार्टी शुरू कर।
सेल्फी तो हो जाए। हाँ। 1, 2, 3 हो गए सेल्फी। सबकी फोटो आई है ना? हाँ। मेरी फोटो में मैं तो नहीं आई। अच्छा, सबसे आगे तुम ही रहना। 1, 2, 3 हो गए सेल्फी। चलो पार्टी शुरू करते। हाँ। अरे कोई अच्छा सा गाना तो लगाओ। ये कैसा है जॉब और वो भी 10,000 पे, जिसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और 10,000 पे मिलेगा। एक काम करती हूँ, अब देर तो हो ही गई है, थोड़ी और देर से कॉल करके पता करती हूँ। घंटी जा रही है। हाँ हेलो जी, मैं बिन्नी बोल रही हूँ। मैंने आपकी जॉब का एड देखा फेसबुक पे कि कोई जॉब है आपके यहाँ जिसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और 10,000 रुपए मिलेगा। मुझको उसकी जानकारी चाहिए आपसे। जी आपने बिल्कुल सही सुना, हमारे यहाँ जॉब है जिसमें ज्यादा टाइम नहीं देना होगा और आपको 10,000 रुपए मिलेगी। देखिए सारी बातें तो फोन पे नहीं हो सकती, आप हमारे ऑफिस आइए फिर बात करते हैं। ओके जी। ओके फिर मैं कल आपके ऑफिस आती हूँ, वैसे आज बहुत देर हो गई। ओके बाय। ओके बाय।
बड़े पर निकल आए हैं बिन्नी के। अरे एक लड़की निम्मी भी तो है, कितना घर का काम करती है, सबकी बात भी सुनती है और पढ़ाई भी करती है। और एक मरी ये जिद्दी, किसी की कुछ नहीं सुनती, नालायक। माँ जी आप ठीक कहती थी, इसकी शादी करा दो जल्दी से, वरना कहीं कुछ। नहीं नहीं अब आप इसकी शादी करा दो जल्दी से। माँ मैं आ गई। बोल कहाँ थी तू, जल्दी बोल कहाँ थी। देख तू अपनी माँ को बेवकूफ बना सकती है लेकिन मुझको नहीं। कहाँ थी तू, अपनी ननद सहेलियों के साथ थी ना। नहीं दादी मैं तो प्रीति की पढ़ रही थी। पढ़ रही थी फिर कॉलेज में क्या करती है तू हाँ? मैंने तेरी माँ को प्रीति के यहाँ भेजा था, वो भी घर पर नहीं थी, उसकी माँ भी उससे परेशान है, तू झूठ बोलती है। बोल कहाँ गई थी, क्या कर रही थी, माँ जी कुछ पूछ रही है ना। बोल वो माँ हम लोग पार्टी कर रहे थे सब दोस्त मिलकर। देखा मैंने कहती थी इस नलायक पर कभी भरोसा मत करना। अरे हाथ से निकल गई है ये। ठीक कहा माँ जी आपने बिल्कुल। सुन बिन्नी एक बात बहुत ध्यान से, माँ जी और मैं भी अब चाहती हूँ कि तेरी शादी कर दी जाए, तो तू पढ़ाई लिखाई छोड़। नहीं माँ मुझको भी शादी नहीं करनी, हाँ मुझको पढ़ाई करनी है फिर नौकरी करनी है। क्या कहा, देख रहे तू क्या कर रही है, अब जो करना है हम करेंगे, तू जा अंदर। मुझको शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, और ये पक्का है समझे आप लोग। देखा इसके लंघन तूने। बस माँ जी मैं तो कहती इसकी शादी करा दीजिए जल्दी से, बाकी लड़की लगता है हाथ से निकल गई है। अच्छा तू जा और निम्मी को भेज। जी माँ जी। जी दादी आपने बुलाया मुझको। हाँ निम्मी बेटा बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है आजकल। सब अच्छी चल रही है दादी। और बिन्नी की, उसकी भी अच्छी चल रही है लेकिन ज्यादातर फोन ही में लगी रहती है। और क्या क्या करती है वो। दादी वो फेसबुक कुछ होता है ना उसी में लगी रहती है, और आए दिन दोस्तों के साथ पार्टी करती है। तुझको ये सब कैसे पता। उसकी दोस्त प्रीति की छोटी बहन मेरे क्लास में पढ़ती है, उसी ने बताया मुझको। तो तूने ये सब मुझको या अपनी माँ को क्यों नहीं बताया। माँ को बताया था लेकिन माँ ने कहा सुधर जाएगी, अभी बच्ची है वो, और माँ नहीं कहते किसी को मत बताना। अच्छा अच्छा तू जा। ठीक है दादी जाती हूँ। अच्छा दादी जी मुझको यही लगा था ऐसा ही हुआ होगा, वैसे भी कहाँ है
बिन्नी जरा बुलाइए तो उसे, अब आई हूँ तो मिलती जाऊँ उससे। वो ना आज उसकी सुबह से ही तबीयत खराब थी तो अंदर सो रही है और डॉक्टर ने भी उसे आराम करने को कहा है। अच्छा ठीक है, आप उसको आराम करने दीजिए, उसको बताएगा कि मैं आई थी। अब बहुत देर हो गई है, मैं चलती हूँ। अच्छा दादी जी, राम राम। राम राम। माँ जी ये क्या कह रही थी? देख लिया जरूरत से ज्यादा छूट देने का नतीजा कि अब भी कुछ बाकी है और छुपा बिन्नी की गलतियाँ। अरे माँ जी मैंने क्या छुपाया है? चुप कर, मुझको निम्मी ने सब बता दिया। अरे तो कैसी माँ है, तुझसे अपने तो बच्चे नहीं संभाले जाते। अब पता नहीं नालायक ने क्या किया होगा। बताओ काफी दिनों से कॉलेज नहीं जा रही, मरी घर से तो रोज तैयार होकर कॉलेज के लिए निकलती है। और माँ जी अभी जो आपने छुपाया और झूठ बोला वो क्या था? कि बिन्नी बीमार है इसलिए कॉलेज नहीं जाती। अरे तो क्या कहती मैं, मुझको कुछ कहने लायक छोड़ा है तेरी लड़की ने? या ये कहती मुझको तो कुछ पता ही नहीं है हमारे लड़के कॉलेज जा रहे हैं नहीं, और वैसे भी तेरे बस की बात नहीं है समझना, तू जा। जा रही हूँ माँ जी। हूँ कॉलेज जाए, नहीं कोचिंग मेरा मन नहीं लगता वहाँ पर।
क्या कहा? मन नहीं लगता, लेकिन तू ही तो कहती थी मुझे पढ़ाई करनी है। हाँ कहती थी, लेकिन अब मन नहीं था मुझको पैसे कमाने नौकरी करके, जो कि मुझे आज मिल गई है। क्या कहा तूने? नौकरी करनी तुझको? ले ये ले, ले, ले। हाँ हाँ करनी है मुझको, ये मेरी जिंदगी, मैं जो चाहूँ करूँ। आप लोगों से क्या मतलब, आप सब गवार हैं, कुछ नहीं पता आजकल कैसे रहा जाता है, आजकल का लाइफ स्टाइल क्या है। अच्छा तू हमको बताएगी, हमको सिखाएगी, हम गवार नहीं, तुझे इतना बड़ा किया है, आज जो तू कपड़े पहनी है ना, सब हमारी बदौलत है, सब कुछ हमारा दिया हुआ है। तुझको बोलना तक हमने सिखाया और आज तू हमसे जमा लगाती है। बस माँ जी, आज मैं इसकी जान ले लूंगी, मैंने इसे जन्म दिया, मैं ही समा डालूंगी। नहीं बहू, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इससे पीछा छुड़ाने के लिए मैंने बहुत अच्छा तरीका ढूंढा है। वो क्या माँ जी? वो ये है कि दो दिन पहले मैंने इसकी फोटो पंडित जी को दी थी, उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया। उनको ये ननद बहुत पसंद आई है और उनको दहेज भी नहीं चाहिए। मैंने कह दिया है मुझे शादी दो दिन के अंदर करवानी है, पहले तो वो इतनी जल्दी राजी नहीं हुए, फिर मान गए। परसों है इसकी शादी। क्या मेरी शादी? और वो भी मुझसे बिना पूछे, मुझको नहीं करनी शादी वाली। अरे कैसे नहीं करेगी तू, तुझको करनी पड़ेगी। मैं नहीं करती तो नहीं, बिल्कुल नहीं। बहू इसको ले जाकर कमरे में बंद कर दो, दो दिन तक कमरे से कहीं नहीं जाएगी ये लड़की, सीधे शादी के बाद निकलेगी। मैं नहीं जाऊंगी, मैं छोड़ दो मुझको, मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ जा, पकड़ा तो इसको, नहीं जाऊंगी, मैं छोड़ दो। अरे बहू खुद भी बंद हो गए क्या? नहीं माँ जी, आ रही हूँ मैं। बंद कर दिया? जी माँ जी। अब शादी की तैयारी में जल्दी से लग जा, समय बहुत कम है, कल मैंने सबको गीत के लिए बुलाया है। जी माँ जी, जैसा आप कहें। बढ़िया गाना गाओ, बनने
थोड़ा शादी का समय है ना, तो काम का ज्यादा रहता है, तो थक गई है। मैंने उससे कहा आराम कर लो, और वैसे भी उसकी शादी है वो अच्छी दिखनी चाहिए, तो आराम करना ही ठीक है। और वैसे भी परसों तो वो रहेगी ही। क्या गलत कहती थी मेरी दादी और माँ? हमेशा
यही तो कहती थी कि एक लड़की को कैसे रहना चाहिए, समाज परिवार से जुड़कर, अपने बड़ों की बात मानकर। मैंने इतना गलत किया है अपने परिवार के साथ कि मेरे पास एक ही सजा है कि मुझको मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। रुक जा बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस जरा सी ना समझी तुम्हारी। ऐसी बात नहीं है कि आजकल की टेक्नोलॉजी से जुड़कर हमें नहीं रहना चाहिए, अपने आप को समय से नहीं बदलना चाहिए, मगर सावधानी के साथ आजकल के तुम्हारे टेक्नोलॉजी के युग में बच्चों में और बड़ों में आपसी समझ खत्म हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। हम हमेशा तुम्हारा भला ही चाहेंगे, बस अब तू घर चल, मैंने और तेरी माँ ने तुझे माफ कर दिया है। हाँ बेटा, माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बस तू ये अपना जिद्दी पना छोड़ दे, तुमने देखा ना इसका अंजाम क्या होता है। हाँ माँ, देख भी लिया और समझ भी लिया, मुझे आप लोगों की बात हमेशा माननी चाहिए थी, अब आप लोग जहाँ कहेंगे मैं वहाँ शादी करने को तैयार हूँ। नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो तेरी जिद के कारण करना पड़ रहा था, अब तो तूने जिद्दी पना छोड़ दिया है, अब जब तू कहेगी तब करेंगे तेरी शादी, अब तो खुश। समय पे लाइट गई, नहीं तो वैसे हम लोग रोक देते हैं नाटक और लाइट का इंतजार करते हैं, लेकिन बिल्कुल खत्म था और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आप लोग बिल्कुल जुड़ गए थे नाटक से, इसी वजह से हमने नाटक नहीं रोका और हमारे ये इस यंत्र ने जो इसमें दिखाया इससे भटकाव आया, लेकिन इस वक्त यही यंत्र काम आया और यही यंत्र शायद मेरे काम आएगा। बेटा सब लोग आते जाना, और किसी के पास और मोबाइल हो तो फिर आगे लाइट कर दीजिए थोड़ा सा, आज आज अपने पीछे चीजों को थोड़ा सा आगे बच्चे हैं सब, क्या बात सबके पास सब जनरेटर इतना टाइम खत्म करने के क्या। बेटा आते जाना जैसे मैं नाम देता हूँ, दादी शिवांगी पाल। दादी से लगता है डर गई लाइट पर। हेलो, दादी शिवांगी पाल, बहू खुशबू वर्मा, निम्मुई शीतू रावत और इसकी बहन जिसके नाम पर यह नाटक था जिद्दी नीतू रावत, प्रीति मुस्कान रावत, थोड़ा सा तालियां अच्छे से बजा चाहिए सभी लोग बजाते हैं, इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए जरूरी होता है। सहेली एक रिया शर्मा, क्या बात है बेटा, आगे आ गए, क्या बात। सहेली दो शालिनी वर्मा, सहेली तीन संतोषी मिश्रा, सहेली चार खुशबू रावत, चेली एक मंजरी कौशल,
चेली दो लक्ष्मी वर्मा, चेली तीन दिव्या चौरसिया, चेली चार सरिता मिश्रा, बॉस सुप्रिया चौरसिया, टीचर दीदी रुचि सिंह, महिला जो इसमें थी अपराजिता और सीमा, ग्रामीण महिलाएं राधा कुमारी और गुलेशा मिश्रा। थोड़ा सा बेटे पीछे चले जा, थोड़ा सा तो आगे वाले, हाँ इधर चले जा थोड़ा सा, तो वो लोग भी आगे आ जाएंगे। आगे आ जाए बेटा, सब लोग आगे आ जाए। प्रकाश परिकल्पना और संचालन था मनीष सैनी का, संगीत बहुत बढ़िया था और बहुत चीजों को जोड़ रहा था संजय त्रिपाठी, रूप सज्जा मंच निर्माण मंच सामग्री स्वाति पांडे, वेशभूषा शुभांगी पांडे, मंच प्रबंधन राजीव पांडे, छायांकन और वीडियोग्राफी अनवर बेग, प्रस्तुति सहायक मंजुला पांडे जी, और इस नाटक के लेखक निर्देशक और परिकल्पना जिनके विचार के बारे में और जिनके इस अप्रोच के बारे में मैंने अभी पहले भी जिक्र किया था इस नाटक के शुरू होने में पहले, शुभम पांडे। ये कान में कहने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल खुल के कहने वाली बात है। शिवपाल जी ने जो जेस्चर दिखाया है वास्तव में बहुत अच्छा है। शारदा प्रसाद तिवारी जी की तरफ से शुभम को ये 500 रुपए मिठाई खाने के लिए कि इन बच्चों के साथ मिलकर मिठाई खाएं। भारत मेडिकल स्टोर है आपका बलरामपुर हॉस्पिटल के सामने। और शिवपाल जी का जो अनाउंसमेंट था कि शारदा प्रसाद जी ने केवल मिठाई का इंतजाम किया है और शिवपाल जी ने एक दिन का लंच पूरा इनका स्पॉन्सर। तो मेंशन तो हो ही गया, अब मैं आपका नाम केवल ले रहा हूँ डॉक्टर सीमा, बाकी आप सब समझ गए। शिवपाल जी की तरफ से जब चाहे तब लंच इन बच्चों को शिवपाल जी ने ऑफर किया है, बाकी हम लोग बाकी कर लेंगे। और शुभम इस मौके पर देखिए, ऐसे तो मैं आमतौर पर कह देता हूँ कि आदमी दो शब्द बोल दे तो वो थैंक्स बोल देता है, लेकिन थैंक्स मत बोलिएगा। थैंक्स हम सबको बोलना चाहिए कि कम से कम हम लोग इस जज्बे के लिए थैंक्स बोलना चाहिए कि इन बच्चों के साथ अक्सर ही होता है, जब भी थिएटर की वर्कशॉप्स होती हैं कहीं से ग्रांट मिल गई या उन बच्चों को इकट्ठा करके उनसे कुछ पैसे ले लिए, कहीं ना कहीं खुद कमाने का एक जज्बा अंदर रंगकर्मी के तौर पर मैं इस बात को स्वीकार करता हूं होता है, लेकिन ये जज्बा जो शुभम आपका है इसके लिए हम लोग थैंक्स आपको ताली बजा के दे रहे हैं। अब दो शब्द आप बोलिए। जी सबसे पहले तो मैं सभी सुधी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सब आए और मेरा नहीं बच्चों का मनोबल बढ़ाया। और मैं धन्यवाद करता हूँ लीलावती मुंशी निराश्रित आश्रम जिनकी तरफ से इनके बच्चे हैं, शब्द नहीं मिल पा रहे, सब बोल नहीं पा रहा हूँ सही से। और मुझको बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करके, पूरा एक महीना मैंने इनके साथ काम किया और एक लगाव सा हो गया इस समय, कुछ मतलब बोल नहीं पा रहा हूँ किसी तरीके से, और बहुत मज़ा आया इनके साथ काम करके। शुरू शुरू में कुछ परेशानियाँ हो रही थी क्योंकि हमारी स्थिति अलग है, हमारा समझाने का तरीका अलग है लेकिन इनका समझने का तरीका थोड़ा अलग है। कई बच्चे हैं जो बहुत प्रतिभाशाली हैं, अच्छा अच्छा करके भी दिखा रहे थे लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं थी, करते थे लेकिन जब कहते थे कि बेटा फाइनल करो, अच्छा चलो ये फाइनल है, तो हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, तो उनके साथ थोड़ा टाइम देना पड़ता था। और सबसे बड़ी बात है कि खुद भी हमारी ऐसी मजबूरी थी, मेरे घर पूरा इस समय बीमार पड़ा है, लगभग पूरे घर है, मम्मी अभी डॉक्टर साहब ने बताया उनको भी स्वाइन फ्लू की कल जांच होनी है, तो घर के हालात भी इतने बस से बदतर बन गए थे कि बिल्कुल मतलब आखिरी के दिनों में बिल्कुल मन हट सा गया था,
लेकिन बस इन्हीं बच्चों की हिम्मत थी जिससे आज प्रस्तुति हो पाई है। तो बाकी सबसे धन्यवाद। रोमेश सिंह जी ने भी 1000 रुपए दिए। दरअसल ये जो 2000 के आसपास जो रकम है मेरे हाथ में, ये रकम 2000 बहुत बड़ी नहीं है, सच ये है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सच ये है कि शायद मैंने भी रंगमंच में बहुत एंकरिंग करते करते हो गए, लेकिन इतनी जल्दी दर्शकों का कनेक्शन हो जाना इस बात का शायद प्रतीक है कि कहीं ना कहीं ये नाटक जैसा मंजू जी ने शुरू में कहा था कि वो डायमेंशंस नहीं छू रहा था रंगमंच के, लेकिन ये जस्टर जिन लोगों ने दिखाया उसके लिए बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूं। ARM मिश्रा जी रोडवेज से हैं, उन्होंने 1000 रुपए दिए थे। ये 2000 रुपए शुभम, ये रकम कम है लेकिन ये 2000 रुपए याद रखने वाले कि इतना बढ़िया रिस्पांस मिला था। और अगर किसी को कुछ कहना हो तो, नहीं तो फिर धन्यवाद। शिवपाल जी को कुछ कहना है शायद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कहना तो बहुत कुछ है लेकिन चूंकि हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, लेकिन आज यकीन मानिए प्यारे प्यारे बच्चों, जिस तरह से हम लोग यहाँ पे बैठे और ये जो कुछ एक आपके जो सहयोगी हैं, गार्जियन हैं, बहुत कम संख्या में हैं, लेकिन इतने दिलों तक आप पहुँचे हैं, इतनी दूर तक आप पहुँचे हैं जिसकी शायद परिकल्पना अभी हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरी शुभकामनाएं हैं कि आने वाले जीवन में आप बहुत तरक्की करें, बहुत ऊंचाइयों को छुएं। और शुभम जी, आपके लिए क्या कहूं, मुझे पता है आपके घर के हालात क्या हैं, लेकिन आपको सलाम करता हूं, सल्यूट करता हूं कि आप लोगों ने इन बच्चों के साथ में बहुत सारा समय गुजारा। एक गुजारिश आपसे बस यही है कि हमारे भी रेस्टोरेंट में आप कुछ समय किसी दिन भी, जब आपको इन प्यारे प्यारे बच्चों के साथ में जब लगे आपको कि टाइम है, किसी दिन भी आप आ जाइए तो मेरे फादर भी मिलेंगे और मुझे अच्छा लगेगा। जिस दिन ये बच्चे मेरे रेस्टोरेंट में आएंगे मुझे बहुत अच्छा फील होगा, क्योंकि बच्चों जिंदगानी इतनी आसान नहीं होती है, स्पेशली इसमें सारी गर्ल्स हैं और हमारी मातृशक्ति यहाँ पर बैठी है, तो इनकी जो जिंदगानी है वो बहुत आसान नहीं है। रियलिटी यही है। और ये जिंदगानी तब अच्छी होगी जब ये बच्चे एजुकेटेड होंगे, अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे। तो मेरी ये गुजारिश है कि अपनी पढ़ाई को कभी मिस ना करिएगा, क्योंकि वही एक असली पूंजी है जो जीवन में आपको खुशहाली लाएगी, आपके जीवन में ऐसा स्थायित्व तो लाएगी जिससे आप नजर से नजर मिला करके लोगों से बात कर सकें। क्योंकि एक लाइन है कि मुकद्दर जिनके ऊंचे और आला बख्श होते हैं, शुभम भाई, मुकद्दर जिनके ऊंचे और आला बख्श होते हैं अक्सर जिंदगी में इम्तिहान उन्हीं के सख्त होते हैं, अक्सर जिंदगी में इम्तिहान उन्हीं के सख्त होते हैं। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और सर, आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने आपको सुना, वाकई बहुत अच्छा बोलते हैं आप, मेरी शुभकामनाएं हैं। और कभी मुलाकात होगी तो मुझे और अच्छा लगेगा, आपका वेलकम है, बहुत बहुत धन। और स्पेशली सासू माँ के लिए एक बार आप जोरदार तालियां बजा दें। जिस तरह से इन्होंने पूरे कंट्रोलिंग रखी, पूरे प्रोग्राम की जो जान थी वो इनका एक एक्टिंग था, बहुत वाकई माइंड ब्लोइंग था। मेरी शुभकामनाएं आप हम लोग के लखनऊ का और प्रदेश का और फिर हमारे भारत देश का राम रोशन करेंगे। मेरी बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद शिवपाल जी। और हंसी के मोड पे चीजों को खत्म करना चाहिए। देखिए, मटर पनीर और मिक्स वेज, नान, तंदूरी, पुलाव, रसगुल्ले, आइसक्रीम, किसी भी दिन आपका इंतज़ार कर रहे हैं। शिवपाल जी की तरफ से ऑफर है और शायद मैं भी उसमें ज्वाइन हो जाऊँ थोड़ा जो बचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शुभ रात्रि, शुभ अपराह्न।